संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावती को लेकर चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फिल्म पद्मावती में मुख्य भूमिका में नजर आने वाली दीपिका पादुकोण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सच में यह बहुत भयावह स्थिति है। यह हमारा राष्ट्र कहां पहुंच गया है, जहां पर राजपूत करनी सेना के 50 कार्यकर्ता आते हैं और सब तहस नहस करके चले जाते हैं। हम कुछ नहीं बोल पाते और नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस मामले में बहुत से बॉलीवुड सितारे उनके समर्थन में आए हैं। राजस्थान में चल रहे फिल्म को लेकर विवाद पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने संवाददाताओं से कहा कि हम किसी को फिल्म के खिलाफ विरोध करने से रोक नहीं सकते हैं। हालांकि हम किसी को भी इसे अवैध तरीके से करने की अनुमति नहीं देंगे। दीपिका ने कहा कि हम केवल सेंसर बोर्ड को ही जवाबदेह हैं और मेरा मानना है कि इस फिल्म के रिलीज को कोई नहीं रोक सकता है। हम एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें बहुत से लोग हमारे साथ हैं। दीपिका ने कहा कि मैं ये तीसरी फिल्म भंसाली के साथ कर रही हूं और मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने पर गर्व है और इस कहानी को बताने के लिए कहने की जरूरत है और अब उसे बताने की जरूरत है। हालांकि दीपिका इससे पहले भी इस विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। पिछले महीने एक कलाकार द्वारा बनाई गई फिल्म की रंगोली के बर्बाद कर दिए जाने पर उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि कलाकार करण और उनकी कलाकृति पर हालिया हमले को देखने के लिए बिल्कुल हृदयम है, कम से कम कहने के लिए घृणित और भयावह। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करके कहा कि ये लोग कौन हैं, उनके कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है, हम इसे कितने समय तक चलने देंगे, उन्हें कानून बनाने की अनुमति दें हाथों और हमारे स्वतंत्रता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के समय और फिर से हमला और अब इसे रोकना होगा और कार्यवाही की जानी चाहिए। अभिनेता सलमान खान ने भंसाली का समर्थन करते हुए कहा कि उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार किसी को पता होना चाहिए कि वह किसी भी चरित्र को खराब रोशनी में नहीं दिखाएगा। अभिनेता अदिति राव हैदरी ने भी ट्वीट करके भंसाली का समर्थन किया।